आइए दोस्तों आज बात करते हैं अंग्रेजी दिनों के नामों की। ये नाम कैसे और क्यों रखे गए, कहां से आए ये नाम। यूं तो हम सब जानते हैं सन से हुआ संडे यानी रविवार, मून से पड़ा मंडे यानी कि सोमवार, सैटर्न से हुआ सैटरडे यानी कि शनिवार, फिर थर्सडे फ्राइडे वेंसडे, ये सब कहां से आए नाम। और तो और सन से रिलेटेड चीजों को स्यूनिक या सनिक कहना चाहिए जबकि सोलर कहा जाता है, जैसे सोलर सिस्टम सोलर कुकर, आखिर ऐसा क्यों, इन सब का जिक्र इस वीडियो में किया जाएगा। देखिए सबको पता है अंग्रेजी और हिंदी नाम, जो हिंदी और अंग्रेजी के दिनों के नाम है, ये ग्रहों और उपग्रहों के नाम पर रखे गए यानी प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के नाम पर। बात करें अंग्रेजी की तो अंग्रेजी ग्रहों और उपग्रहों के नाम रोमन लैंग्वेज से आए हैं और कुछ लैटिन लैंग्वेज से आए हुए हैं। देखते हैं कैसे। जैसे कि मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह उसे देवता के नाम से रखा गया रोम में, रोमन में उसे मार्स कहते हैं, मार्स देवता को ही मंगल कहा जाता है। वैसे ही बुध को मर्क्यूरी कहा जाता है रोमन में, बृहस्पति को जुपिटर कहा जाता है रोमन में, वैसे ही शुक्र को वीनस कहा जाता है, वीनस देवी का नाम है, खूबसूरती की देवी जो है उसे रोमन में वीनस कहा जाता है। ऐसे ही शनि को सैटर्न कहा जाता है रोमन में, यानी ये सब देवताओं के नाम है। वैसे हमारे हिंदी में भी ये सब देवताओं के नाम है और दिनों के नाम भी हैं और ग्रहों के नाम भी हैं। अंग्रेजी के ग्रहों और उपग्रहों के नाम जो है ये रोमन देवी देवताओं के नाम पर रखे गए। अब यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, अंग्रेजी दिनों के नाम जर्मनिक लैंग्वेज से लिए गए हैं ना कि रोमन लैंग्वेज से। अंग्रेजी दिनों के नाम जर्मनिक देवताओं के नाम पर रखे गए हैं यानी जर्मनिक ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं। आइए देखते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करके। हिंदी में मंगल को रोमन में मार्स कहते हैं जबकि जर्मनिक में इसे ट्यू कहते हैं, इसी ट्यू से पढ़ा ट्यूजडे, बाद में हो गया ट्यूजडे। वैसे ही बुध को रोमन में कहते हैं मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरीज डे होना चाहिए, मर्क्यूरीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जर्मनिक में मर्क्यूरी को ओडिन कहते हैं, ओडिन से हुआ ओडिन्स डे, बाद में हो गया वेंसडे। ऐसे ही बृहस्पति को रोमन में जुपिटर कहते हैं जबकि इसे जर्मनिक में थॉर कहते हैं, थॉर से हुआ थॉर्स डे, जो बाद में बदल गया या कहने बिगड़ कर थर्सडे हो गया। ऐसे ही शुक्र को रोमन में वीनस कहा जाता है, जैसा कि हमने शुरू में बताया यह खूबसूरती की देवी है, तो इसे वीनस को जर्मनिक में फ्रीगा कहा जाता है, जर्मनिक में भी ये देवी का ही नाम है फ्रीगा, फ्रीगा से हुआ फ्रीगास डे, बाद में हो गया फ्राइडे। ऐसे ही शनि को रोमन में सैटर्न कहा जाता है। ये सब बाप बेटे के नाम है, जैसे फ्रीगा है, ट्यू है, थॉर है, आपने थॉर नाम की मूवी भी देखी होगी, और इन सब का डिटेल में अगर जानना हो तो एवेंजर्स नाम की मूवी देखिए, उसमें बताया है अलग से कौन किसका बेटा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जर्मनिक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स ये सब हैं। अच्छा, शनि को रोमन में सैटर्न कहते हैं और जर्मनिक में भी इसे सैटर्न कहते हैं, इसलिए सैटरडे हो गया। अब बात करते हैं सन से रिलेटेड चीजों को सोलर क्यों कहा जाता है। देखिए सूर्य को रोमन में सोल कहते हैं जबकि जर्मनिक में सन कहा जाता है, याद रहे जर्मनिक वर्ड है सन जबकि रोमन है सोल, सोल से हुआ सोलर और जर्मनिक में सन जो है उससे हुआ संडे। सही, सोम को रोमन में ल्यून कहते हैं जबकि जर्मनिक में मून कहते हैं, मून से हुआ मूनडे यानी मंडे, बाद में मंडे हो गया, और रोमन लैंग्वेज में ल्यूनर कहते हैं, चांद से रिलेटेड चीजों को ल्यूनर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रोमन लैंग्वेज है। तो दोस्तों इस तरीके से अंग्रेजी दिनों के नाम रखे गए, कुछ जो वर्ड हैं वो जर्मनिक वर्ड से आए और कुछ जो है रोमन से आए। हालांकि यहाँ पे ध्यान देना है सातों दिनों के नाम जर्मनिक वर्ड से आए हुए हैं, बस एक दिन सैटरडे वो सैटर्न से हुआ जो कि रोमन में भी है और जर्मनिक में भी है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप सबको जानकारी हो गई होगी अंग्रेजी दिनों के नाम कहाँ से कैसे आए। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि अंग्रेजी महीनों के नाम कैसे रखे गए, नया साल क्यों मनाया जाता है, बर्थडे क्यों मनाया जाता है, इन सब की वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, प्लेलिस्ट में है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि अंग्रेजी महीनों के नाम कैसे और क्यों पढ़े। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया दोस्तों।